या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्रि यानी नौ रातें, इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। दसवां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में चार बार आता है, पौष नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि और अश्विनी नवरात्रि। नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के नौ रातों में तीन देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौ रूपों की पूजा होती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली, अर्थात दुर्गा दुर्गति नाशिनी, समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाने वाली देवी माँ दुर्गा स्वरूपा। नव दुर्गा के स्वरूपों का वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। देवी दुर्गा के नौ रूप हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है। नवरात्र में दुर्गा पूजा के अवसर पर अनेक विधि विधान हैं, जो दुर्गा पूजा के नव रूपों में पूजा और उपासना के रूप में जानी जाती हैं। आइए जानते हैं प्रथम देवी शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वर्षारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। देवी शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इसकी बड़ी ही मार्मिक कथा है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुँची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार के भाव देखकर उनका मन द्रवित हो उठा। राजा दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, जिससे सती को क्लेश पहुंचा और वे अपने पति का ये अपमान सहन नहीं कर सकीं और वहीं योगाग्नि में अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को ही विध्वंस करा दिया। यही सती माता अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व अनंत है। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्वनीम। अगली कड़ी में कल हम बात करेंगे नवरात्र के दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। देवी माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माँ दुर्गे।